ओके, तो रिसेंटली आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है। तो वेलकम बैक दोस्तों, 100 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज के 19वें दिन में आपका स्वागत है। तो रिसेंटली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा रिसर्च किया। तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो सबसे बड़ी हकीकत है, वो एक इतनी छोटी सी सेंटेंस में समाई हुई है। क्या है वो सेंटेंस? वो सेंटेंस है लाइफ इज अनसर्टेन, मतलब जिंदगी अनसर्टेन है, जिंदगी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि जिंदगी निश्चित नहीं है, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक कॉमन एग्जाम आप लोगों ने बहुत बार बोला भी होगा, सुना भी होगा कि कोई फलाने आदमी का इंतकाल हो गया, कोई फलाने आदमी दुनिया से चल बसे। तो लोग बोलते हैं कि अरे थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात की थी, कल बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले उनसे जस्ट मिला था, वो हंस रहे थे, खूब बोल रहे थे, अभी चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है? बट दोस्तों, ये लाइफ है, ये जिंदगी है, ये फुल ऑफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। यू नो, इंसान सोचता कुछ है, अपना प्लान कुछ और बनाता है, बट जिंदगी कुछ और ही करती है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान सोचता है कि आज मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये प्लान बनाऊँगा, आज इस रिश्तेदार के घर जाऊँगा, आज वो काम करूँगा, 10 साल बाद यहाँ जाऊँगा, 10 साल बाद वो चीज़ अकम्प्लिश कर लूँगा, वो गोल्स को हासिल कर लूँगा, उस मंजिल को पा लूँगा, उस घर को बना लूँगा। बट क्या ऐसा स्मूथली जिंदगी चलता है? आपको MS धोनी मूवी का जो आइकॉनिक सीन है वो तो याद ही होगा, जब धोनी टिकट कलेक्टिंग की जॉब से परेशान होकर स्टेशन के पास बैठे हुए रहते हैं, तो स्टेशन का जो चीफ होता है वो आता है और उससे पूछता है कि क्यों धोनी यहाँ क्यों बैठे हो। तो धोनी बोलते हैं कि सर, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 8 से 5 के जॉब में मेरी जॉगिंग हो जाती है, उसके बाद छुट्टी होने के बाद मेरी प्रैक्टिस होती है, सिर्फ रंजी ही खेले जा रहे हैं मेरे, ना ही मेरी गेम इम्प्रूव हो रही है, ना ही ज़िंदगी में कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो चीफ होते हैं, वो बोलते हैं कि जब तुमको फुल टॉस मिलता है तब क्या करते हो? तो धोनी बोलते हैं कि हिट करता हूँ, और जब अच्छा आउट स्विंगर हो तो क्या करते हैं? तो धोनी बोलते हैं कि छोड़ देता हूँ, और जब अच्छा इन स्विंगर हो तो बोलते हैं कि डिफेंड करता हूँ, और जूसी हाफ वाली मिलता है तो क्या करते हो? तो बोलते हैं कि ड्राइव करता हूँ, और जब कोई अनप्लेबल बाउंसर आता है तब क्या करते हो? धोनी बोलते हैं कि डक करते हैं। तो वो बोलते हैं कि बस अभी जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है वो अनप्लेबल बाउंसर्स हैं, अभी ये समझ लो कि तुम्हें डक करना है। और वो कहते हैं कि ज़िंदगी में सारे बॉल एक समान नहीं मिलते, कभी हाफ वॉली मिलती है, कभी कोई बॉल इन स्विंगर होता है, कभी आउट स्विंगर होता है, और कभी बाउंसर होता है, तो कभी फुल टॉस भी आ जाता है। तो ज़िंदगी इसी तरह चलती है। इंसान ज़िंदगी को एक स्ट्रेट लाइन की तरह लेता है, कि ऐसे ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन की तरह सोचता है। बट यू नो व्हाट, ज़िंदगी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ज़िंदगी ऐसे ज़िगज़ैग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज़िंदगी में दुख होगा, कभी दर्द होगा, कभी गम होगा, कभी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कभी सक्सेस होगा, कभी नाराज़गी होगी, कभी गुस्सा होगा, कभी मुस्कुराहट होगी, कभी मूड ख़राब होगा, ये सब ज़िंदगी का पार्ट है। और ये सब ज़िंदगी जब तक है तब तक चलती रहेगी, इससे कोई बच नहीं सकता और ना ही बचा है। यू नो, प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब इंसान के मुताबिक ज़िंदगी में जब कुछ नहीं होता, तब इंसान फ्रस्ट्रेट होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, गुस्सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। बट ज़िंदगी की तो यही खूबसूरती है, ज़िंदगी की यही तो ब्यूटी है। ज़िंदगी इंसान के प्लान के मुताबिक नहीं चलती, ज़िंदगी ऊपर वाले के प्लान के मुताबिक चलती है। बट इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम लोग कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करके इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं बजाय के फ्रस्ट्रेट होने के? तो ज़िंदगी को एक गेम की तरह सोचिए। जी हाँ, ज़िंदगी को एक गेम की तरह सोचिए। यू नो, एक गेम कैसा होता है? गेम में आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आप उस चैलेंजेस को पहली बार हार जाते हो उस चैलेंज से, दूसरी बार फिर हार जाते हो, तीसरी बार फिर हार जाते हो, लेकिन चौथी बार आप ट्राई करते रहते हो और जीत जाते हो। एक लेवल पार हो जाता है, फिर दूसरे लेवल, फिर तीसरे लेवल, फिर चौथे लेवल, फिर पांचवें लेवल, मतलब गेम में ऐसे चलता रहता है। उसी तरह लाइफ है,
लाइफ में एक बार आपको गिरना पड़ेगा, एक बार आप गिरोगे तो फिर सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर गिरोगे, फिर सीखते जाओगे, फिर आगे बढ़ते जाओगे, फिर सीखते जाओगे। मतलब ज़िंदगी जो है एक अनएंडिंग लूप की तरह चलती रहती है कि आप सीखते रहते हो, गिरते रहते हो, अपने आप को बेटर बनाते रहते हो, जस्ट लाइक अ गेम। अब सोचिए कि अगर आपको गेम में एक स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए और आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए कि ये आप हैं और यहाँ पे आपकी मंजिल है और आपको यहाँ तक जाना है, सीधे स्ट्रेट लाइन है, क्या आपको लगता है कि आप वो गेम खेलना पसंद करोगे? कतई नहीं। एक बार खेल लोगे, दो बार खेल लोगे, 10 बार खेल लोगे, लेकिन 11वीं बार आप बोर हो जाओगे, बिकॉज उसमें चैलेंजेस नहीं हैं, सेटबैक्स नहीं हैं, फेलियर्स नहीं हैं। आपको उसमें गिरने का ये नहीं दिया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप हारोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आपको दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तब तक आप मजबूत नहीं बनोगे। ये ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है, आपको ये इस तरह से देखना पड़ेगा। सो लाइफ को आप एक गेम की तरह लीजिए, अल्टीमेट सॉल्यूशन उसका यही है, और अपने माइंडसेट को चेंज करें। ज़िंदगी को एक फ़न की तरह लीजिए, ज़िंदगी को एक गेम की तरह लीजिए, और आप एक प्लेयर हैं। ज़िंदगी एक गेम है, आप प्लेयर हैं, आप उस गेम को खेलेंगे, आप हारेंगे, जीतेंगे, खुशी होगी, गम होगा, ये सब चलता रहेगा। बट एट द एंड आपको ये ख्याल रखना है कि क्या मैंने आज के दिन को एंजॉय किया। अपने आप से ये आपको सवाल पूछना है कि क्या आज मैंने एंजॉय किया, और आज क्या बेटर कर सकते थे और क्या बेहतर किया। तो ज़िंदगी को सीखने वाला बनाइए और ज़िंदगी को एक फ़न की तरह लीजिए, ना कि एक सीरियसनेस की तरह। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो ज़िंदगी को खूब सीरियसली लेते हैं, एंजॉय नहीं करते और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लाइफ से रिलेटेड और इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।